प्रिय विद्यार्थियों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये बोगेनविलिया नामक पादप के तने में द्वितीयक वृद्धि को दर्शाता है। ऊपर वाला चित्र इसका आरेख है और चित्र नंबर 15 इसका कोशिकीय भाग है। जैसा पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि द्विबीजपत्री पौधे में बलकुट ऊतक विभेदित होता है, समन फूल वलय में उपस्थित होते हैं और द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होती है। विशेषकर इन बिंदुओं पर ध्यान देना है कि बोगेनविलिया में असंगत संरचनाएं क्या क्या बनती हैं। पहला है कि कैम्बियम ही अनियमित दिखाई देता है। इसका जो कैम्बियम है वो आप देखेंगे तो वो ही अबनॉर्मल होता है, पहली बात। दूसरा, कई छोटे बड़े समन फूल मज्जा में बिखरी अवस्था में उपस्थित होते हैं, इनमें कुछ मात्रा में वृद्धि उपस्थित हो सकती है। तीसरा, कैम्बियम समन फूलों के वलयों का उत्तरोत्तर निर्माण करती है, इनमें से कुछ समन फूल प्रोजेनकाइमेटस ऊतक में धसे रहते हैं। प्रोजेनकाइमा जो ऊतक है वो जाइलम ऊतक से विभेदित करना संभव नहीं होता है, अतः आभास होता है कि फ्लेम द्वीप के रूप में जाइलम उपस्थित होते हैं। पुनः देखें आप, बोगेनविलिया के तने में कई समन फूल मज्जा में उपस्थित होते हैं। दूसरा, यह समन फूल बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं और तीसरा, समन फूल सीमित वृद्धि दर्शाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि वैस्कुलर बंडल, मेडुलरी बंडल भी हैं और इसके कैम्बियम के साथ भी पाए जा रहे हैं। ऊपर से देखेंगे क्यूटिकल, एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, ये तो ऊतक विभेदन हो गया, फिर परिरंभ पतला हो गया, फिर इसमें प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम आ गया। यहाँ पर ये फ्लोएम आइसलैंड द्वीप बन गए और सेकेंडरी जाइलम बन गया। ये प्रोजेनकाइमा है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो द्वितीयक वृद्धि के समय जाइलम और फ्लोएम के साथ में कंजक्टिव टिश्यू के रूप में प्रोजेनकाइमा विकसित होता है और केंद्रीय भाग में ये मज्जीय फूल मेडुलरी बंडल्स उपस्थित होते हैं। ये तने दरअसल बोगेनविलिया आपने देखा भी होगा आसानी से मिल जाता है, इसका पतला सा तना लेकर के आलू के पिथ में या कद्दू में या आग के पिथ में रखकर ब्लेड से काट कर इसकी स्लाइड बनाएंगे तो हमें इसका ये कोशिकीय जो चित्र है वो दिखाई देगा और आरेखीय चित्र से हम समन फूलों की उपस्थिति देख सकते हैं। थैंक यू।